कैनन का IR3300-22200 में आपका डिस्प्ले पे जो लाइन नहीं आ रहा है, डिस्प्ले का जो लाइट वो जब नहीं आ रहा है, तो आप जब मशीन ऑन करेंगे, मशीन आपका रोटेशन होगा, मतलब ट्रे लोड होगा, लेकिन आप डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं शो करेगा। पहले आप कंफर्म हो जाएं कि डिस्प्ले आपका सही है। अगर डिस्प्ले आप पैनल चेंज करके चेक कर सकते हैं, अगर पैनल चेंज कर लिए तो देखें, तो अगर डिस्प्ले फिर भी नहीं आ रहा है तो उसका सलूशन करने के लिए आप पहले यहाँ आएंगे, मशीन का जो बैक साइड होता है वो बैक साइड ओपन करेंगे, ठीक है। बैक साइड ओपन करने के बाद में आपको इसी तरीके का देखिए ये सारा बोर्ड दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये मशीन के जो राइट साइड में देख रहे हैं इसको DC बोर्ड बोलते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इसको IP बोर्ड बोलते हैं। इसके ऊपर में और एक बोर्ड है, इसके हार्ड डिस्क है, और इसके पीछे में रीडर PCB होता है। और ये जो है ये मेन मोटर है, ठीक है, और ये कूलिंग फैन है एक, और ये HBT बोर्ड है, और ये कंपोजिट पावर सप्लाई है, और इसके पीछे में जो आप एक सप्लाई देख रहे हैं इसके पीछे में उसका मेन टोट 24 वोल्ट का पावर सप्लाई है। तो अभी इसको आप क्या करना है ना, आपका जब डिस्प्ले मशीन ऑन हो गया, मतलब मशीन ट्रे लोड हो रहा है, मशीन रोटेशन हो रहा है, बट आपका डिस्प्ले में कोई सा लाइट, सिंगल लाइट डिस्प्ले का जल रहा है, सिर्फ पावर का लाइट, और डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको क्या करना है, पहले ये जो रैम होता है रैम को क्लीन करना होता है। रैम को ओपन करने के लिए आप देखिए इसके दो साइड में दो लॉक दिया हुआ है, देखिए ओपन कर देने के बाद में ये आ जाएगा। इसी तरीके का एक मशीन में दो दो भी होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका कनेक्टर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप जो आपका पेंसिल का जो दाग निभाने के लिए जो रबर होता है, तो उससे आप इसको थोड़ा हल्का हल्का घिस दें दोनों तरफ साइड, ठीक है, दोनों साइड घिस के यहाँ पे भी आप ब्रश फ्रश मार के, तो फिर आप और एक लगा के चेक करेंगे, अगर डिस्प्ले आ गया तो ठीक है। तो इसको साफ कर देने के बाद में इसको लगाने के लिए देखिए इसका दोनों साइड में दो लॉक के बीच में दो कट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लगा के आप पुश कर देंगे और रख लग गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप था, अगर ये इससे ना हुआ तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे एक बूट रम लगा होता है, बूट रम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी दोनों साइड में आप यहाँ पे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ठीक है, देखिए इस तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ, तो ये भी आपका ये देखिए दोनों साइड हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आगे निकल आएगा। तो कभी कभी इसमें भी डस्ट हो जाने से तो आपका डिस्प्ले पे लाइट नहीं आता है। तो ये देखिए इसका मैंने निकाल लिया है, इसको भी उसी तरीके से साफ करके, ठीक है, फिर यहाँ इसको बिठाना है। इसको बैठाने के लिए देखिए इसका दोनों अंदर की तरफ देखे, देखिए अंदर की तरफ जाके इसको यहाँ पुश कर देंगे, ये लग गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये दो से आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डिस्प्ले मशीन ऑन करते हैं तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, ना रोटेट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस लाइट नहीं आ रहा है डिस्प्ले में, ठीक है, तब आप इसका जो पावर सप्लाई होता है मेन पावर सप्लाई इसके पीछे, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, बहुत कम खराब होता है। ये आपका नो पावर, पावर जब डिस्प्ले पे नहीं आए तो इसका ये सोल्यूशन होता है। तो आप इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं, अगर आपका हो गया तो ठीक है, ठीक है। तो ये यही उसका होता है, IP बोर्ड है, ये उसका रैम है और ये बूट रैम है, ठीक है। आप इसको क्लीन करके लगा के चेक कर सकते हैं।